तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ज़्यादा सोचना बंद करो, जितना सोचोगे उतना रोओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्यों ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहाँ लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु है, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना, बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी कूट जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहाँ वह चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वह अपना नाम तक भी भूल गया, हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाग में शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकार चुनना है, जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षरता हो गया है और उससे खुद को जान है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकार बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उसके पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूट रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नज़र में यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही बिच्छू था। किसी ने ना तो उसे कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो?
उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं, यह सब पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो। चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला, उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत थी और वह पंक्तियाँ थी, मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो यह जानता है वह सच को जान जाएगा। जब गुरु ने ये पंक्तियाँ देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि यह लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकार हो, लेकिन मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वह तुम्हें मार देंगे। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज़्यादा विद्वान निकला, जो मुझे तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें, कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे, बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षरता प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेगा तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ क्या आपका काम ध्यान बन जाए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।